बड़ी खबर इस समय की यही है कि विक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे। अलका लांबा, जनता की राय आपने सुन ली, मुश्किल हो सकती है सिद्धू के लिए। शोभना, पता है सिद्धू जी 6 चुनाव लड़े हैं और 6 में कभी हारे नहीं। सबसे बेदाग स्वच्छ छवि के सिद्धू जी रहे हैं, और पंजाब के लिए जो सिद्धू जी ने किया, या अब पंजाब मॉडल को लेकर जिस तरह से वो पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं, वही अगर वर्सेस मजीठिया नशा में पूरी तरह संलिप्त थे, उसके रिपोर्ट जो है कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी बेल रद्द कर दी है, और भगोड़े हैं, भागे फिर रहे, कभी भी गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे। अब पंजाब के लोग तय करेंगे, अगर मजीठिया निर्दोष था भागा क्यों फिरता रहा, और पंजाब जो उड़ता पंजाब था, आज सीएम चन्नी जी ने सही कहा, उड़ गए तोते, आज कहीं मजीठिया ढूंढे नहीं मिल रहा है, क्यों भाग रहा है, जेल से चुनाव लड़ेगा तब भी चुनौती देते हैं, हम इन्हें हराएंगे, और हम इन्हें नहीं पंजाब में नशे को हराएंगे। लेकिन सिद्धू जिस तरीके से कांग्रेस की फरियाद करा रहे हैं, वो भी तो पंजाब के लोगों को दिखाई दे रहा है ना अलका लांबा, जिस तरीके से चन्नी सरकार के खिलाफ ही खुलकर वो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो भी तो पंजाब की जनता देख रही है। तो ऐसे में विक्रम मजीठिया से आप क्यों नहीं मानती है कि कड़ी टक्कर मिल सकती है सिद्धू को? मैं नहीं मानने को तैयार हूं भाई। अकाली दल का तो ये कहना है ना कि झूठा बताया जा रहा है। मैं आपकी जबान बोलूं और मानूं कि हां टक्कर है, सिद्धू हार सकते हैं, ये फैसला पंजाब को करना है, और पंजाब नशे से, नशा माफियाओं से आजादी चाहता है, और बहुत हो चुका है, और जो नकेल 5 साल में चन्नी सरकार ने कसी है माफियाओं के ऊपर, वो शायद ही कभी किसी ने किया होगा। कैप्टन देखा, बादल देखे, और अब लोगों ने चन्नी जी के 111 दिन भी देख लिए हैं, जिसकी वजह से दोबारा जो पंजाब है पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।